अमन सिंह है, मैं कोटा का स्टूडेंट हूँ और नीट की प्रिपरेशन करता हूँ, और मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है डिवाइन कॉस्मेटिक में, और मुझे बिल्कुल ही पता नहीं चला कि हेयर ट्रांसप्लांट कब हो गया, बिल्कुल भी पेन भी नहीं होता हेयर ट्रांसप्लांट में, और जो मेरी हेयर लाइन थी वो पीछे जा चुकी थी, इसलिए मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोचा, और हेयर लाइन अच्छी भी बन गई है, पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है, अब मुझे दिक्कत नहीं होती है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी। मैं कोटा में स्टूडेंट हूँ, नीट की प्रिपरेशन करता हूँ, मुझे गाना केमिस्ट्रिया था, और जब मैं टी शर्ट पहनता था तो मुझे बहुत ऑड लगता था, खास करके जो मतलब ये पूरा दिखता था चेस्ट पे क्या हो रहा है, और टी शर्ट में तो होती ही नहीं थी, मीडियम पहनूँ तो बड़े हो जाए और स्मॉल पहनूँ तो पूरी एकदम टाइट फिटिंग होने लगी, इसलिए मैंने सोचा कि ऑपरेशन कराने के लिए गाना केमिस्ट्रिया था। जब मेरी सर्जरी थी उस दिन मुझे डेट दिया गया कि आपको 12 बजे क्लिनिक पे आना है और आपकी सर्जरी 1 पीएम पे होगी, तो यहाँ पे मैं आया और छोटा मार्किंग मेरी हुई, उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कब मेरी सर्जरी हो गई, और बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, मतलब कि यूँ समझिए कि ना के बराबर भी पेन नहीं हुआ, आपसे वो बात करते रहेंगे डॉक्टर साहब और आपका हर काम हो जाएगा, मतलब सबसे पहले आपको तो एनेस्थीसिया दिया जाएगा, जो बिल्कुल ही पता नहीं चला कि कब एनेस्थीसिया हो गया, जब आप होश में आएंगे तो बिल्कुल भी पेन नहीं होगा और आपकी सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी, और उसी दिन सेम डे आप शाम में शिफ्ट मतलब अपने घर जा सकते हैं, और सेम डे भी जब आपको रिजल्ट दिखेगा, फर्क दिखेगा कि हाँ मतलब जो सर्जरी हुई है बिल्कुल अच्छी हुई है, और पता भी नहीं चलेगा कि कब सर्जरी आपकी हो गई, और उसके बाद जो टी शर्ट पहनने की जो टेंशन थी अब वो रहेगी नहीं।